है ना, अब बताता हूँ रिंकू का। ये देखो ऊपर से बढ़िया फूल है। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अवन्यू ब्लॉग। फिलहाल है ना, अभी मैं जा रहा हूँ दूध और दही लेने के लिए। तो दही को यहाँ पे बोलते हैं मशरूम, ठीक है। मेरे को इतना कंफर्म नहीं है कि दही को ही मशरूम बोलते हैं, बस मासी बोल लेती है कि दही को ही बोलते हैं, इसलिए मैंने भी बोल दिया। और तो क्या, मेरे को समझाने के लिए भी बोल सकते हैं, मशरूम अलग भी हो सकता है। दोनों के दोनों हाफ हाफ लीटर लेके आना है। तो चलो क्या है, तो ये रहा दूध और ये है दही। भाई दही है मतलब मशरूम, इतना कंफर्म हो गया। यहाँ पे कन्नड़ में बोलते हैं मशरूम। इसको कब से उठा रहे पर उठ ही नहीं रहा है। ये तो भाई साहब ऐसे सुबह रात को मुँहता है, और आज भी मुँहता है। फाइनली हम सभी रेडी हो चुके हैं। तो ये तो जा रहे हैं स्कूल, तो बच्चा पार्टी स्कूल जाएंगी और हम जाएंगे अपने दुकान पे काम पे, ठीक है। तो टिफिन ले लिया है आज फिर से। ये ले तो भाई इसकी बातों पे ध्यान मत देना। मंदिर काफी बढ़िया है यार, तगड़ा वाला। तो धूप भी कड़क की है यार, खतरनाक। तो गर्मी भी काफी हो रही है मेरे को। तो ऐसी धूप में तो है ना राजस्थान है यार नंबर वन पे। अभी तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है वहाँ पर, खतरनाक वाली। यहाँ पे इतनी कहाँ, यहाँ पे है ना दोपहर की गर्मी भी इतनी नहीं होती जितनी वहाँ की सुबह की गर्मी होती है। आज का मौसम तो कुछ अलग ही है। उस तरफ तो पूरे बादल हैं और इस तरफ कड़क की वाली धूप, काफी खतरनाक। मतलब साइड साइड में पूरे बादल है और हमारे ऊपर ही धूप है। वैसे आज फिर से खाना खाने के लिए, तो मेरा तो टिफिन आया है और दीपू का ये वही, ठीक है। तो दीपू और मैं दोनों एक साथ ही खा रहे हैं। खाते और तो क्या यार, वैसे आज फिर से है ना कॉफी पी रहे हैं। तो आज तो है ना बिस्किट का केला है, तो केले तो खा लिया। इतू से एक केला, गजब यार, छोटे छोटे हमारे उधर इतने बड़े, यहाँ पे इतू से है। पर इसका छिलका है ना वो पतला है, वरना और काफी बढ़िया, टेस्टी भी काफी है। तो गाइस हम निकल चुके हैं और बारिश खतरनाक वाली आई थी, तो अभी तो रुक चुकी है भाई। तो हम का मतलब दीपू भी साथ में चल रहा है, दीपू उस साइड चल रहा है और मैं अपनी छतरी के साथ। तो भैया ने दे दी थी छतरी यहीं पे मालिक के बेटे ने, ठीक है। तो काफी बढ़िया है यार। ये है हमारे अपने दुकान में काम करने वाले, तो इनका नाम गणेश भैया, ये है मेघराज भैया, और ये तो दीपू है ही है, ठीक है। तो हम सभी के सभी है भाई। बारिश हो रही है अभी तो रुकी हुई है दुकान वाले। तो यार दोनों यार ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं, तो ये दूसरा रास्ता है भाई। टीपू मेरे को दूसरे रास्ते से ले जा रहा है। तो है तो वही ब्रिज है, तो आगे से निकल रहे थे हम, तो थोड़ा आगे की तरफ दूसरी तरफ आ गए यार ब्रिज के। वही यहाँ से थोड़ा ही दूर है वो भी, जो मैं रास्ता जाता हूँ ना यहाँ से। तो यहाँ से सीधा होकर सीधे उस रोड पे बस, और क्या टेंशन। ऐसे नारियल बिखरे यार, यहाँ पे मंदिर है ना, इस मंदिर में तो फंक्शन है लग रहा है यहाँ पे भाई। गजब की भीड़ है यार। ओ भाई बर्तन भी देखो, कुछ फंक्शन है खतरनाक यार। अपने ना वही अपने राजकुमार स्टैचू वाली गली में, अपने दुकान वाली गली में आ चुके हैं। दीपू और मैं आए, तो दीपू का कुछ अर्जेंट काम था ना, इसलिए दीपू मेरे साथ आया है। और आज तो बारिश की वजह से हम लेट भी निकले यार। आगे हम लोग आज फिर वापस एक बार, तो है ना क्या है कि है ना, एक तो हमें वहाँ से लेट ही निकले। तो मेरा 7:40 का टाइम है ना, तो 8:15 निकले, क्योंकि यार बारिश की वजह से यार रुकना पड़ा, ठीक है ना। बारिश रुकने के बाद आए तो भी भैया ने छाता दिया, थैंक यू सो मच भैया, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो। आ चुका हूँ तो है ना, देखो यहाँ पे देखो मेरे ख्याल से चप्पल ले रहा है अंदर। तो मैं अभी घर पे जाके आया था मासी के, ठीक है, वहाँ से गेहूँ है ना पिसवाने के लिए ले आया था। पर लेके तो आया पर दुकान ही बंद है, ठीक है। तो मतलब गेहूँ की है ना वो चक्की बंद है, तो इसलिए वापस यहाँ पे ला के रख दी। यहाँ पे फिक्स रेट के है ना अपने मिल सकते हैं चप्पल। देखो ये 100 रुपए वाली है ये वाली रैक, और ये वाली रैक है 150 रुपए। 150 रुपए का या देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग रहे हैं, डेमो लगाए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अंदर की तरफ वहाँ पे भी है, और बॉक्सेस में है सारे मेन चप्पल, तो अलग अलग साइज के, और ये सॉक्स है। वैसे ना घर पे आ गए तो कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो बाहर काफी ठंड टाइप का हो रहा है मौसम। तो कल है फादर्स डे, तो रिंकू ने स्पेशल कार्ड बनाया मौसा जी के लिए, तो विकी ने भी बनाया, तो पूरी की पूरी हेल्प की है रिंकू ने उसकी भी, ठीक है। देखो ये तो बोलती है, कमरे में से दौड़ कर देखो निकालने की कोशिश कर रहा है। इसका देखो पहले इसका देखो स्पेशल लेना बात है, ठीक है। ये देखो फादर्स डे का, ये विकी चमके का है,
रिंकू के अकाडमी एक अलग बात है, वो बाद में बताता हूँ। उसके लिए देखो तो ये जो भी है पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे वो है ना, बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ना पापा की फोटो भी है, बस यही है। सो है ना, अब बताता हूँ रिंकू का, ये देखो ऊपर से बढ़िया फूल है, यहाँ पे रोज वाले स्टिकर्स हैं, यहाँ पे एक जेंटलमैन भी बनाया हुआ है, ए रुक रहे हैं, जेंटलमैन भी बनाया हुआ है और हैप्पी फादर्स डे भी लिखा हुआ है। ये क्या है? मुच्छड़ भाई। हाँ मुच्छड़ भाई है भाई, देख लो, ठीक है। पीछे कुछ इस टाइप का ब्लैक है, यहाँ पे देखो मौसा जी को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। और ये मौसा जी को देखो क्या बना दिया यार, गजब। और एक लाइक भी करना। सुबह खाना खा लिया है, तो ना दीपू यहाँ पे सोया है और दीदी भाई यहाँ पे, मेरा अपना रोज की तरफ बिस्तर यहाँ पे। और अभी तो है ना क्रिकेट हाईलाइट्स देख रहे हैं, वो भी आज के मैच की, चौथे मैच की जो इंडिया जीत चुकी है 82 रन से, तो काफी बढ़िया रहा। मैन ऑफ द मैच रहा है दिनेश कार्तिक को, तो जल्दी से जाके स्कोर नहीं देखा हो तो जाके देख लो अपने गूगल पे, ठीक है। इस ब्लॉग के एंड करता हूँ, आई होप आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।